you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. So guys, journey shuru bhi nahi hui and I'm at a subscriber. Hey. Hey guys, it's me DeepLife back again with another video. मैं जा रहा हूँ अलीबाग. It is a very long drive. 3.5 hours लगेंगे उधर पहुँचने के लिए. थक मॉम ऑलरेडी उधर है. मैं एक दिन पहले जाने वाला था पर ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस नहीं जा पाया. एंड मेरी बहन ने खरीदे हैं ये चमचमाते हुए. सी, दिख तो काफी अच्छा रहा है. वाओ, इट्स प्रीटी सिक्योर. नहीं कर रहा है. 3.5 hours का ड्राइव बहुत होता है और सुबह कुछ खाए बिना निकला था तो थोड़ा बर्गर खाने का सोचा. वैसे भी आई लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट. इट्स ओके टू हैव सम चीट डेज. दैट्स माय. आर यू लाइक वन ऑफ तो गन्ने का रस पी लिया है. अभी हम लोग जा रहे हैं होटल. अभी और 20 मिनट की ड्राइव है. हम लोग आ गए इधर. द नेम ऑफ द होटल इज व्हाइट हाउस बीच रिसोर्ट क्योंकि ये बीच के बहुत पास में है. एंड यू कैन सी दैट ओयो. बाय द वे, इवन माय सिस्टर वर्क्स फॉर ओयो. तो ओयो से काफी कपल्स का भला हो रहा है आजकल. एंड वी हैव अ स्विमिंग पूल राइट देयर. वाओ, उसमें मैं जाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद. हाय हाय मम्मी. सच मॉम, नहीं मेरे को मिस नहीं किया. तो गाइस, मैं ऐसे कभी कभार ट्रिप्स पे आता हूँ जस्ट टू रिलैक्स. दिस ट्रिप वॉज वेरी अब्रप्टली प्लान्ड. ऐसे कुछ पहले से प्लान नहीं था क्योंकि वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है ये दिनों. अभी जो हम लोग का चैनल बढ़ रहा है, बैलेंसिंग एवरीथिंग रियली बिकम्स डिफिकल्ट. और जब ऐसे पारा बहुत चढ़ जाता है तो ऐसे ट्रिप मारनी पड़ती है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए. दिस इज द व्यू दैट आई एम गेटिंग बाय द वे. ऐसी हरी हरी वादियाँ देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है. देख सकते हो केले विले के झाड़ है उधर. सो ओके, दिस इज व्हाट द रूम लुक्स लाइक. इधर ऑलरेडी मेरी बहन रही थी इसलिए आप देख सकते हो क्या क्या करके रखा है. दिस इज अ टीवी और इधर जाके क्या है देखते है, एक छोटा सा मिरर है. एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग लाइक. तो मैंने आउटफिट चेंज कर दिया. हुडी पहना था, अभी ये पहना है क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी हो रही है. जस्ट शो यू द बाथरूम. तो कोई डिसेंट नॉर्मल छोटा सा बाथरूम है, छोटा सा मिरर दिया है. कोई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाथरूम में एक बाथटब तो दे देते पर कोई बात नहीं. अगर आपने देखा नहीं कि मेरे बाल लालम लाल कैसे हो गए तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए. इधर आई बटन में दे दूंगा. और मेरे सामने है एक विंडो, आगे भी सब रूम्स ही है. तो रूम में मैंने एक चीज नोटिस की, दैट इज दिस थिंग ओयो ओयो ओयो. अभी आपने देखा मैं अपनी बहन के साथ आया, तो मेरे फैमिली के साथ आया हूँ. ऐसे भी नहीं कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आया. तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ये शायद व्लॉग नहीं करूँ, पर मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है. वैसे भी यूट्यूबर के लाइफ में कंटेंट काफी ज्यादा मायने रखता है, तो मैंने सोचा कंटेंट क्यों छोड़ू. और वो तो अलग बात है, पर मैंने मेरा पुणे व्लॉग देखा. अगर आपने नहीं देखा रहेगा इधर कुप्चे में दे दूंगा. तभी मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता था, पूरा पुणे का व्लॉग जो है इंग्लिश में. तो वो व्लॉग देख के मैंने ऐसा सोचा यार ये सारी जो मेरी पुणे की मेमोरीज थी आई कैन लिव अगेन. ये सारी चीजें मैं फिर से एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने वो पुणे का एक व्लॉग किया था. तो ये भी सारी एक मेमोरी कलेक्शन के फॉर्मेट में. और जब मेरा दिमाग फिर से आउट हो जाएगा तो मैं जाके ये व्लॉग देखूंगा और मुझे अच्छा फील होगा. अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने. ना कुछ खास नहीं था. अभी मैं जा रहा हूँ मेन चीज देखने. इधर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन दैट इज द बीच. सैंड सफेद है या काला पड़ गया है? या पानी तो काला पड़ गया रहेगा. पानी तो काला ठीक है. सब मुंबई के बीच में आजू बाजू है, सब पानी पूरा काला हो गया है. तो गोवा के बीचेस कैसे है? गोवा भी जाके आई है बहुत बार. गोवा इज ऑल्सो गोवा. नॉर्थ गोवा का नॉर्थ सेक्शन इज बेटर. साउथ गोवा इज गुड, बट बागा कलंगूट का तो यार जुहू बीच बन चुका है. So okay. So guys, here it is, the beautiful beach. ज़्यादा ही जगता है आज. That is some सूखी मच्छी for you guys.
बहुत सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी है, उधर कैमल भी है, मतलब क्या बोलू यार, इधर तो सब है। आपको थोड़ा विंड नॉइज आता रहेगा क्योंकि बचपन में दिखाते थे ना, ऐसे बोलते थे स्कूल में कि एक बीच का सीनरी ड्रॉ करो, तो ऐसे पूरा लग रहा है यार। थोड़ा एक विंड फिल्टर होता ना, बहुत मजा आता। पर कैमल्स के पास आ गया, मैं कभी लाइफ में कैमल्स नहीं देखे थे असली वाले। मुझे अंडर वाटर शॉट्स लेने हैं हेडसेट से, पता नहीं, आई होप मेरा फ़ोन ख़राब ना हो जाए। बोलते हैं IP68 और बहुत कुछ है, आज होगी इसकी टेस्ट, तो लेट्स गो। दरगर वाटते अभी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी पूल का टाइमिंग सा क्लोज, तो आई फाउंड अ नाइस क्वाइट प्लेस टू कीप माय कैमरा, अभी आपसे बातें कर सकता हूँ। आपको पता नहीं रहेगा पर मुझे स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा रेड फेड हो गया है बट आई एम रियली लविंग द कलर राइट नाउ। और अभी आप देख सकते हो मैं मेरे फैमिली के साथ आया हूँ, वो भी मॉम के साइड की फैमिली। वो सारे लोग बहुत ज़्यादा शाय है। मॉम रियली वॉन्टेड मी टू कम ऑन दिस ट्रिप एंड आई होप आई हैव मेड मॉम हैप्पी बिकॉज इवन आई एम लविंग दिस ट्रिप। तो कभी फैमिली के साथ भी ऐसा टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग यूजुअली दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं बट फैमिली के साथ भी ऐसे ब्यूटिफुल प्लेसेस पे आके यू कैन स्पेंड अ रियली नाइस टाइम। सो आई जस्ट गो एंड हैव माई डिनर राइट नाउ बिकॉज ऑर्डर आ गई रहेगी, सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस, काफ़ी अच्छी नींद थी। नाउ आई एम एंजॉइंग हियर सम भुर्जी पाव, देन देयर इज मिसल पाव। व्हाट इज मॉम हैविंग? शी इज हैविंग उपमा देयर। सुबह इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल बट कल हम लोग सुबह नहीं गए। आई बी लीविंग इन सम टाइम और आई विल बी एंजॉइंग द शिप राइड। द छोटा सा शिप रहता है एंड आई वॉन्टेड टू सी द सीगल्स जो आते हैं, तो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड द होल ट्रिप वॉज अ वेरी स्मॉल मिनी वेकेशन, तो भी बहुत मज़ा आया। बट अभी द मेन पार्ट इज पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉटेजेस है, पर ये एक ही ओयो है इतने बड़े एरिया में। सो फैसिलिटीज अच्छी थी, एमिनिटीज अच्छी थी। फ्रॉम नागाव आई वेंट टू अलीबाग एंड फ्रॉम अलीबाग नाउ आई केम टू मांडवा। मांडवा से जाएंगे गेटवे, तो आई कैन सी द ब्यूटिफुल सी राइड ओवर देयर। चलो मम्मी जल्दी जल्दी। सो कार्गो कंटेनर उधर जाना है। एंड क्या बोट का नाम क्या है? अजंता। अजंता, लुक एट दीज जेटीज, पूरा जेटी खचाखच भरा है। मम्मी देखो कैसे। लेट मी ट्राई। पता जाना। हां हां लेट मी ट्राई।
Yes, yes. Go. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, सिक्योरिटी बंदोबस्त है फॉर पीपल टू गेट इन. पीछे मेरे था द गेट वे ऑफ इंडिया, उधर से ही हम लोग आए. आज बहुत गर्दी है क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन बहुत पूरा भीड़ भाड़ एकदम. तो हम लोग की ट्रिप हो गई है ख़त्म और अभी हम लोग जा रहे हैं घर चुपचाप. कैसी रही ट्रिप मम्मी? मस्त एकदम, चल मजा आ गया. हम लोग मतलब मेरा तो ट्रिप काफी छोटा था क्योंकि मैं एक ही दिन में वापस आ रहा हूँ. एंजॉय किया पर मम्मी ने तो बहुत एंजॉय किया ऐसे मुझे लग रहा है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब बटन पे ठोक देना. सो वेल गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. सो वेल गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.